आज का दिन बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इट्स अ बोरिंग डे, बोरिंग व्लॉग, डोंट वॉच दिस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया है। और आज हमारी किचन में सुबह सुबह बन रहा है, एनी गेसेस? ढोकला। तो पहला बैच हमारा रेडी हो चुका है, बड़े अच्छे से निकला था, मुझे बहुत खुशी है। देखो एकदम स्पॉन्जी सा बना है। सो दूसरा बैच भी रेडी है, अब मैं इसको डालती हूँ और फिर उसके बाद इन लोगों को बुलाती हूँ। और इसकी जो टॉपिंग होती है ना, ये स्पेशली रजत बना रहा है, बिकॉज रजत इन चीज़ों में हाईली क्वालिफाइड है, मतलब बहुत अच्छी बनाता है रजत ऐसी चीज़ें। सो ये रजत अभी कुछ कह रहा है, इसको थोड़ा और काढ़ूंगा मैं, ऐसे ऐसे करूँगा मैं। चलो ठीक है, तुम वो वाला काम संभालो, मैं ये वाला काम करती हूँ। तो अब हमारा सेकंड बैच भी रेडी है, देखते हैं। हुआ तो ठीक है, देखो साइड्स कॉर्नर्स खुद ही छोड़ दिए। हाँ, देखना हाथ जले ना। और ये वाला ढोकला यहाँ रेडी है, बस खाने वाले भी आते ही होंगे। जूस और बनाए या काफी है, बताओ। पहले निकल गया बंदी का इच्छा, फिर उसको याद आया नहीं, ज्यादा अच्छा नहीं बोल लगती। अच्छा बना है ढोकले जैसा है इसका, ये जो ऊपर Four hours later. नैना, ये मत बना अभी प्लीज, मुझे नूडल्स खाने का मन कर रहा है। ये क्या बात बोल दी तुझे? मुझे कोवियन नूडल खाने, कोवियन रेडी है तो खानी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, तो मैं भी नूडल्स खाऊंगी। ठीक है, बंद कर दे। नहीं नहीं नहीं, नूडल्स ही बहुत है, ये रात को खाएंगे। वैसे अभी के लिए बनी थी दाल, बट आज हम थोड़े बिगड़े बच्चे बन रहे हैं, तो आज हम खाने वाले हैं किमची नूडल्स, क्योंकि हमारे पास ये वाली एक ही बची है। तो हमारा ढोकला जो बच गया था वो हमने बंद करके फ्रिज में डाल दिया है। ये क्या फ्रिज में, और इसे हम बाद में खाएंगे आजकल ना, हम पूरा दिन। और तुम चीज निकाल दो, क्योंकि मैं नूडल्स में चीज डालने वाला हूँ। और ये थोड़ा लेटेस्ट भी ना, लेटेस्ट भी निकाल दे और खीरा निकाल दे यहाँ से। ठीक है ठीक है, तुम्हारा हाथ मेरे कड़े में फंस गया। वैसे आजकल ना हम पूरा दिन घर घर ही खेलते रहते, कभी कुछ बनाते रहते, कभी कुछ बनाते रहते। और हमको ये है कि जब हम इंडिया जाए उससे पहले रोहिंदी की तृप्ति हो जाएगी, चलो सब खा लिया, इंडिया का स्वाद आ गया। तो आज रोहिंदी के लिए मैंने फिर से रागी के चिल्ले बनाने हैं। और मैंने पूछा था ना आप लोगों से कि अगर आपको पता है चिल्ले कैसे बनते कमेंट में बताना, तो काफी सारे लोगों ने मुझे काफी सारे सजेशन दिए। मैं वीडियो पे इसलिए बोल रही हूँ ताकि जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको आइडिया नहीं है कि ये कैसे बनता है उनको पता चल जाए। तो उसमें जो रागी चिल्ला जब हम बनाते हैं ना, अगर आप ज्वार का आटा डाल दो या कोई भी आटा डाल दो, सूजी डाल दो या कुछ भी ऐसा डाल दो, तो बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है और चिल्ला एकदम इतना बढ़िया निकलता है। इनफैक्ट जैसे अगर आपको इंस्टेंट डोसा भी बनाना है ना, तो उसके लिए भी उसको बैटर को पतला कर दो, जितना पतला करोगे उतना पतला और क्रिस्प बनेगा और आपको खाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। सो अभी मैंने उसमें सूजी थोड़ी सी ऐड करी है और उसके साथ प्याज डाल दूंगी, अलसी डाल दूंगी, क्योंकि उससे ना क्रंची सा फ्लेवर आता है तो वो बहुत ज्यादा टेस्टी बन जाता है। और रोहिंदी को वैसे भी इतना हो गया है कि काफी टाइम से मैं ऐसा खाना खा रही हूँ कि मुझे स्वाद नहीं आता है, तो अब आई डू मेक श्योर कि हम रोहिंदी को ऐसा खाना दें जिसमें स्वाद एकदम एक क्लास हो, इनफैक्ट दूसरों का मन ललचा जाए कि हमको ये खाना खाना है। सो यस, आज रोहिंदी के लिए वो बनेगा और खुद हम थोड़ी चीटिंग करेंगे और नूडल्स खाएंगे। तेरे मुंह में पानी आ रहा है अभी। मुझे पता है, मुझे ना नूडल्स इतनी ज्यादा पसंद है कि अगर मैं आपको अपने कॉलेज के दिनों की बात बताऊं, तो कॉलेज में क्या होता था ना, हमको ऐसे चोरी छुपे से हम कैटल रख लेते थे या इंडक्शन रख लेते थे, वैसे ये सब कुछ अलाउड नहीं होता था ऑफकोर्स। तुम गलत चीजें सिखा लो। नहीं मैं सिखा नहीं रही हूँ, बट मैंने किया है तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ मैंने किया था। तो मैं फटाफट से मैगी बना लेती थी, बावर्ची तो मैं पहले से थी, मुझे खाना बनाने का बहुत ज्यादा शौक है। तो फिर वहां पे हमने फटाफट से मैगी बनानी है और मेरी दो और रूममेट्स होती थी, तो हम सब ना खाते थे और मैं फटाफट से खा लेती, फिर दूसरों को देखती रहती थी, थोड़ा सा दे दे यार, एक बाइट दे दे यार, इतनी ज्यादा पसंद है यार मुझे नूडल्स। सो यस, आज मैंने रजत को कहा है कि पहले थोड़ी एक्स्ट्रा बनाना, क्योंकि मेरा आज बहुत मन हुआ है काफी टाइम के बाद कि आज तो नूडल्स खानी है। रजत, ये क्या तरीका, तुमने ये भी डाल दिया इसमें? इसमें लिखा है कि ऐड दिस पैकेट फॉर एक्स्ट्रा फ्लेवर। इतना नहीं सुनना है। गलती से डाला है भैया, मुझे पता है। हाँ, बट इसमें ऐसे मिसलीडिंग ऐसा नहीं लिखा था। ओपन दिस पैकेट एंड ऐड, वो ऐसा अज्यूम करके चलते हैं ना कि थोड़ी बहुत कॉमन सेंस हो गया, ऐसे नहीं कि पूरा ही डाल दिया, फिर तो पैकेट्स में इतनी रखो, खोला भी क्यों है? बट क्या पता लगता है ना, कोई गलती से करी भी है। अभी जो रजत के साथ हो रहा है ना, उसे कहते हैं कि जब भूख सर चढ़ जाती है तो इंसान ऐसी बातें करता है और ऐसी हरकतें भी करता है। यार यहाँ पे ना मुझे कुछ अलग तरह की स्ट्रॉबेरीज मिली जो कि वाइट है कलर में, बट यार इतनी टेस्टी है। और सबसे अच्छी बात तो इसकी है कि बिल्कुल भी खट्टी नहीं है। रजत, ये धोई नहीं है ना अभी? नहीं, और हमको नूडल्स खाने का मन क्यों किया? क्यों किया?
क्योंकि हमने कुछ देख रहे थे हम टीवी पे, तो उसमें नूडल्स खा रहे थे और हमारा मन कर गया। अब आई एम सॉरी अगर आप में से कुछ लोगों का हमें देखने के बाद मन कर जाए तो हमें माफ करिएगा। हाँ, पर मुझे कमेंट करके जरूर बताना किसको हमें देख के मन किया और उन्होंने बनाई भी और खाई भी। और मेरे को तो, मैंने तो कुछ नहीं देखा था, मैंने रजत की बात सुनी कि नूडल बनाते हैं और मुझे ऐसा हो गया नहीं की और कुछ मैं ठीक है बना लेते। तो ये है इसका नाम पाइन बेरीज, बट मुझे स्ट्रॉबेरी से भी ज्यादा अच्छी लगी। तुम्हें कैसी लगी? बहुत बढ़िया है ना, अच्छी चीज लाई ना। धुआं तेज आ रहा है, तुम जलाना मत मैगी। मैगी नहीं, आई मीन नूडल्स। इससे पता लगता है मैगी का सक्सेस। मैगी हम सबके लिए प्यार है। मैगी इज सच अ सक्सेस। वो नहीं सुना तुमने पहाड़ों वाली मैगी? पहाड़ों वाली मैगी क्या चीज है? प्लेन्स वाली मैगी, दुख वाली मैगी, सुख वाली मैगी, भूख वाली मैगी हमारी बन रही है। हमारी टेस्टी चीजी नूडल्स रेडी है और उसके साथ साथ जब तक नूडल थोड़ी ठंडी होगी रोहिणी के लिए चीला भी तैयार है, आई मीन चीले का बैटर तैयार है। चीला डालना भी शुरू करती हूँ मैं, मजा आने वाला है। खुशबू बहुत सही आ रही है और कितनी बढ़िया चीजी बनी है, क्रीमी। Yeah. और इसका सीक्रेट है दूध और चीज। वो हम आपको कभी और फुर्सत में बताएंगे, अभी खाने की बहुत जल्दी हुई है। ये जल्दी खाओ और हमें बताओ। सो गुड। जब मैंने इसमें खीरा ऐड किया ना पील करके, उससे जो क्रंच आ रहा है ना, ओह गॉड, अमेजिंग अमेजिंग। तू भी आ जा जल्दी से। हाँ, बस मेरा यहाँ पे चीला रेडी है, उसके बाद मैं भी आई हूँ। शेपलेस हो गया बट चलो टेस्टफुल तो है ये। उफ़, नूडल्स खा के मजा तो आ गया बट इतनी ज्यादा स्पाइसी थी ना। कोई स्पाइसी नहीं थी, इसको थोड़ी भी स्पाइसी बहुत लग जाता है, बहुत ज्यादा लगती है। वरना मैं आइस वाला पानी कभी भी नहीं पीती हूँ, अभी तो ऐसा मन कर रहा है कि बस नहा जाऊँ। और यहाँ थोड़ी गर्मी भी हो गया ना तो इस वजह से मिर्ची वाला खा के लगती है। पनिशमेंट नहीं दी थी पर इतना मन कर रहा था ना, मुझे इतनी टेस्टी लगती है, बाकी मुझसे मिर्च बिल्कुल नहीं खाई जाती है, पर ये नूडल्स खाते हुए इतना मजा आता है मुझे। जबकि हमने ये दूध में बॉइल की होती है ताकि थोड़ा स्पाइसी लेवल इसका कम हो जाए, क्योंकि मुझसे ज्यादा खाया नहीं जाता, बट उसके बावजूद भी मुझे काफी ज्यादा स्पाइसी लग रही थी। पर मजा आ गया। तो अभी हमने सोचा कि बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा वॉक करते हैं और रोजी को घुमाते हैं, बट रोजी दी अभी बच्चे को दूध पिला रहे, तो हमने सोचा ठीक हम बाहर निकलने लगे उसी टाइम वेदा उठ गई, तो हमें ऐसा हुआ कि हम जाते जब आपका वेदा के साथ हो जाएगा, हम घर के आसपास ही घूमते, हम आपको बुला लेना फिर साथ में बाहर चले। चलो अभी वॉक करते हैं। यहाँ जब कोई नया नया शिफ्ट होता होगा जिसको अपने घर का नंबर नहीं याद होता होगा, कभी तो ऐसा होता होगा कि वो गलत घर में चले जाए। मेरे साथ सेम हुआ था, जब हम लोग आए थे तो मैं गलती से साथ वाले में चला ही गया था, बट मैं ही रोजी भी गया था और इन्होंने मेरे को रोक दिया, अदरवाइज मैं चला जाता, बेल बजा ही देता या कोड ट्राई कर रहा होता। तुमसे ये वेल एक्सपेक्टेड और लोगों ने सोचना था चोर आ गया अंदर। मुझसे वेल एक्सपेक्टेड है जो भूलता नहीं है, बट यहाँ एकदम मतलब एकदम सेम होते हैं, सेम तुम्हारी बात में ना, मुझसे वेल एक्सपेक्टेड था जो भूलता नहीं, मैं सब समझ रही हूँ। ठीक है यार, अब बच्चों को देख कैसे खेल रहे बच्चे। वही मैं कह रही थी, जब बिल्कुल सर्दी थी ना तो पार्क में भी ऐसे आइस जम गई थी तो कोई भी नहीं दिखता था, अब सब पार्क हरे भरे लगते हैं, बच्चे आ रहे, लोग आ रहे, तो बहुत अच्छा लगता है। वाओ रजत, वो देखो एरोप्लेन कितना सुंदर दिखता है तेरे फोन में, तो ऐसा एकदम बुलेट जैसी दिख रही होगी। हाँ मेरे में देखा। अच्छा जी, रजत तो अपने फोन का दबा के शो ऑफ करता है। दैट बुलेट लुकिंग थिंग, ऐसे लग रहा है कि पानी में। आज का दिन बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, संडे एंजॉय कर रहे हैं। क्या ही व्लॉग बनाया यार, इतना बोरिंग सा हो रहा है। आज बोरिंग डे है, मतलब आज हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इट्स अ बोरिंग डे, बोरिंग व्लॉग, डोंट वॉच दिस। नहीं नहीं यार, बोरिंग डे नहीं, कभी कभी होता है ना, आप भी लाइफ में कुछ नहीं करते, तो बस हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वही दिखा रहे हैं हम। कुछ नहीं करने वाला दिन आया है हमारी लाइफ में। एंड ऑफ कोर्स अब जैसे हम यहाँ पे इतने टाइम से है तो This is it, जो हमारा टाइम टेबल है, exactly. रूटीन, हम वही दिखा सकते हैं। और प्लस हम ज्यादा बाहर भी नहीं जा पाते हैं आजकल फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो थोड़ा बहुत जितना हो पाता है उतना हम आपको व्लॉग बनाकर दिखाते हैं। ऑल्सो नूडल्स खाने के बाद हमको लगा यार आज का दिन काफी लंबा बचा है, और प्लस हमने नूडल्स खाई है तो थोड़ा वर्कआउट करते हैं। हम दोनों को ऐसा लग रहा था कि हम मोटे हो गए, ऐसा क्यों खा लिया जंक। बट दिस इज ऑल्सो ट्रू कि हमने थोड़ा थोड़ा वेट पुट ऑन किया है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा वर्कआउट जितना हो सकता कर ही लेते हैं, इसलिए हम घूमने भी आते हैं। बट आज हमारे पास टाइम है तो हमने सोचा जिम चले जाएंगे। ओए ये स्क्विरल देखने ना कैसी है, कितनी प्यारी है, डर रही है हमसे। चलो मुझे रोहिणी का कॉल भी आ गया कि मैं फ्री हो गई हूँ, तो अभी घर जाके रोहिणी को बुलाते हैं। यार रजत ना मेरा मजाक उड़ा रहा था, बोलता है ये क्या कैप पहन ली, अंकल सी लग रही है, तो फिर मैंने कैप उतार दी और बाल बना के फिर से रेडी हूँ, अब चलते हैं बाहर। गाइस इफ मेकअप इज डन तो चले, मेकअप गर्ल्स नहीं थी, देखो अपने हाथों से खुद लगा रही थी और मुझे कहती मैं नहीं करती मेकअप।
चलो चलो अभी पिलाया दूध, कोई नहीं जाग रही वो सिंगल ना सिंगल सिंगल तो यू वर नो मोर या या ना आई हैव माय परमानेंट ट्विन ना चलो चलो रोहित दीदी कितनी पतली हो गई जब मतलब वेदा पेटू के अंदर थी ना तो भी जैकेट पहनी गई थी पेटू के पेट नहीं पेटू इसको नहीं रखना नहीं तो ये सिखाएगी बच्चों का हिंदू कहाँ ढूंढ रहा था मैं सारे स्टोर में ढूंढता रहा ना फोन मेरा बदला पूरा हुआ तो मैसेज करते हैं मैंने मैसेज भी किया व्हाट्सएप पे रोहिंदी बोल रही जिम नहीं भेजूंगी क्या क्यूट है ना मुझे पसंद आ गया जो मुझे चाहिए था क्या वही नॉन स्टिक मैंने रिसर्च कर ली हाँ स्टार फ्रिट अच्छी ब्रांड है स्टार फ्रिट बहुत अच्छी है द रॉक हाँ ये तो नहीं पीछे गाड़ी सामान लेके वापस दीदी जाने नहीं दे रही हमारे को जिम बोलती नहीं नहीं घर चलो आज के लिए बहुत हो गया मुझे छोड़ दो जिम मुझे भी छोड़ दो दीदी बाय हम जिम जा रहे काहे को लाए हम जिम के पूरे रास्ते चक के चले हुए थे कल के लिए था रोहिंदी को कितनी खुशी हो रही ना फटाफट हमारा बैग रख रही है सबसे पहले अंदर की चले ना जाए जिम क्या करो अभी दिन जा गया पर क्यों नहीं जाने दे रही है ये तो बता अब भी होना घर में खाना कौन बनाएगा खाना बना हुआ है तब जा रहे थे हम तो मेरे हस्बैंड हटो आए रे खाना बना है सुबह वाला सुन अपने को नहीं पता क्या बोल रही मेरे हस्बैंड को भूख लगी होगी ओ माय गॉड है ये दरवाजा दोनों साइड के दरवाजे खुल गए वाह दीदी दरवाजा कैसे खुला था बटन से रजत को तो आने देती उधर साइड से बैठ जाएगा अच्छा वन मोर कम हियर वाह रजत कहाँ गया पता नहीं ये आया भागता हुआ वो देख ये कहाँ गया इसको लग रहा है इस साइड से बैठूंगा बट मैं यहाँ बैठी हूँ पूरा डांस हो गया रजत का zigzag मैं तो अंदर ही रख के आ गया तो बंद कैसे करोगे बंद बस मुझे बस, पता बस, है बस, बस, हाँ। लगा नहीं कि तुम्हें पता है जैसे वैन नहीं होती इंडिया में हाँ। वैन को ऐसे पूरा धक्का मारना पड़ता है वैसे ही कर रहा था मैं तो बट इसको सिर्फ टच करना होता खुद बंद हो जाती है नाइस कार देख खुलेगा कहाँ से कहाँ से खुला बता दो बदतमीजी हो रही है मेरे साथ अंदर तो मुझे कोई बटन ही दिखा था खोलने का इधर ऐसे करना होता है यहाँ से ऐसे को खींचा ना खुल जाएगा अच्छा जैसे ऐसे ऐसे की तरह तो बंद हो जाएगा ओके हाँ जी निकालिए सामान क्या हुआ नहीं रोहिंदी तू रहने दे इसमें कुछ है ही नहीं है बस ये ले आओ बाकी चल ठीक ये हमारा नहीं है शायद ये वाले बैग ये वाला मैं ले जाती हूँ बाकी कोई मुझे लगा मेरा बैग कहीं रह गया चलो चलो घर पहुंचते ही रजत कुकू भूख लग गया तेरा टाइम हो गया ना आठ बज गए पौने आठ हुए वैसे अभी पर इसको भूख से देख कैसे आएगी ना खड़ी होती आ जाए दिखाता हूँ अभी शो यू हंसती खेलती नाचती भी जाती है अभी तो कुकू Which flavor? टुना पे तो टुनक जाएगी तो खड़े हो जाओ पहले खड़े होकर दिखाओ छोटा बच्चा है हमारे पास कोको खा ले खा ले आज का संडे हमारा खुद खाना और खिलाने में ही निकल गया है खाने और खिलाने में ही निकल गया है It was a proper Sunday for us. हाँ proper Sunday आराम से relax किया मजे से खाया पिया और देखो सुबह ब्रेकफास्ट लंच आपको सब दिखाया और मैं ढोकला खाऊंगा जो बचा है निकालो है निकालो निकालो फ्रिज से तुमने रखा था अच्छा फ्रिज पूरा झकाझक भरा है ओ यस यहाँ जो रखा था चलो जी ये रहा ढोकला तो अब घर पे नया ये पैन भी आ चुका है देखो जी चिल्ले बनाने वाले में कोई कमी नहीं थी पैन में चिल्लों में कोई कमी थी कमी सिर्फ पैन पे ही थी अब कल सुबह देखते हैं कि कैसे बनेंगे चिल्ले क्यों रजत तुम खा लो गरम किया था पहले फ्रिज का ठंडा नहीं खाना माइक्रोवेव किया है ना 30 सेकंड और इतना बढ़िया गरम हुआ है ना ओह माय गॉड और अब ना इसमें पूरा ऐसा मतलब वो पानी अब्सॉर्ब हो गया है ये तब तो बहुत समा चुका है हाँ
यू आर राइट. नहीं मुझे नहीं खाना, तुम खाओ. बहुत बढ़िया है, अभी मन नहीं है. खा कर देख, इतना गर्म है ना. अभी मन नहीं है. सो गाइज, आज के दिन में बस हमने यही सब किया. थोड़ा सा व्लॉग मुझे पता है शायद आप लोगों का आज मजा ना आया हो, बट आई एम श्योर कि आने वाले व्लॉग्स आपको बहुत पसंद आएंगे. हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए और बेहतरीन व्लॉग्स बनाए और उन्हें और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे. बट फिलहाल के लिए आज के व्लॉग में बस इतना ही. हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. बाय बाय, सी यू सून.